की गई थी। अभी फिलहाल सियासी गलियारे से यह भी हलचल आई, जो हमने आपको खबर बताई कि अपने आवास से जेपी नड्डा निकलकर अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं। उस बीच में अगर हम की बात करें तो जीतनराम मांझी को भी कॉल गई है। हालांकि जब संसदीय दल की बैठक थी, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तमाम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह, ये तमाम लोग उस स्टेज पे मौजूद थे और अब उन तमाम लोगों में कॉल गई है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल को कॉल गई है। हालांकि तमाम सांसदों को बुलाया गया था राजस्थान के, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया था, जहां पर बातचीत भी की गई थी। फिलहाल ये दो तीन घटनाक्रम के एक साथ, जब से 4 तारीख को सरकार का गठन हुआ है, 292 सीटें एनडीए जहां इस बार तीसरे टर्म को सर्व करने जा रही है सरकार के रूप में, तो वहीं अब से 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो गया, 4 दिन के बीच की यह घटनाक्रम हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। 0 में जहां ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और इसी के साथ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जिसमें दर्ज है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान। लेकिन मोदी की कहानी सिर्फ नेहरू तक नहीं है, बल्कि हम पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास को खंगालेंगे और समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड के आगे भी कोई है या फिर मोदी से पीछे है दुनिया भर के तमाम नेता। देखिए रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। माता की जय, जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। देश का सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, 6ठा बार भी बनने वाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जैसे ही ये शपथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार दोहराएंगे, वो राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े जननायक बन जाएंगे। हिंदुस्तान के खूबसूरत लोकतंत्र में ये इतिहास बनाने वाले वो दूसरे जननायक होंगे जिनके बराबर नेहरू के अलावा कोई नहीं। बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले मोदी देश के एकमात्र पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 मुख्यमंत्री,
2007 मुख्यमंत्री, 2012 मुख्यमंत्री, 2014 प्रधानमंत्री, 2019 प्रधानमंत्री और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है तो आज़ादी के बाद का वो एक समय ऐसा था जब पूरे देश में एक आज़ादी के बाद बनने वाली अपनी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन था, लोगों का एक वास्तव में लगाव था और नरेंद्र मोदी के लिए जिन एक मजबूत पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में तीसरी बार जीत हासिल करने का जो उनको एक मौका मिला है वो मैं समझता हूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने आप में काफी एक कठिन काम था जो कि चुनौतियों के बीच पूरा किया गया। आंकड़े गवाह है, आजाद भारत के इतिहास में नेहरू की बराबरी कोई नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। नेहरू लगातार तीन बार 1952 में 364 सीटों के साथ और 1957 में 371 सीटों के साथ, जबकि 1962 में 361 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। यानी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के बराबर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबा पर एक ही नाम सामने आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपने जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और इसी के दम पर उन्होंने राजनीति के कई इतिहास बदल दिए। नरेंद्र मोदी ने चुनावी इतिहास में सिर्फ नेहरू की बराबरी नहीं की बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इस मुकाम तक पहुंचने वाले कम ही नेता हुए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट के नाम पर दर्ज है, जो 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार चार बार चुनाव जीतकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। यानी ब्रांड मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास में ही सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बन गए हैं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मोदी के मुकाबले बहुत कम लोग नजर आते हैं। अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है। जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसे ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उधर मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों